जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी सबको बहुत सुख दें, खूब खूब ब्लेस करें, बहुत सुंदर जीवन दें, सबके परिवार में खूब खुशियां दें। जब भी सत्संग का बुलावा आता है, प्रत्येक संगत को जरूर जाना चाहिए। संगत जी, अगर कोई मैसेज मिल गया किसी के भी थ्रू, तो ये समझ जाना चाहिए कि ये गुरुजी की कॉलिंग है और उसको इग्नोर नहीं करना है। गुरुजी के लंगर प्रसाद में, कड़ा प्रसाद में, चाय प्रसाद में बहुत बहुत ब्लेसिंग होती है, जिससे हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। और ये आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक डॉक्टर का है फरीदाबाद से, और देखिए कैसे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, कैसे गुरुजी ने उनको बुरी से बुरी परिस्थिति में बचा लिया। कार पूरी तरह डैमेज हो गई, फिर भी उनका जीवन बच गया। हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं जो कि गुरुजी के सत्संग कहलाते हैं। आप भी दर्शन कीजिए गुरुजी के, कड़ा प्रसाद लीजिए, मथा टेकिए, और गुरुजी सबको खूब ब्लेस करें। ऐसी मेरी सबके लिए गुरुजी से प्रार्थना है, अरदास है कि ये परिवार हमेशा खुश रहे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय गुरुजी। तो सत्संग स्टार्ट कर लेते हैं। ये सत्संग फरीदाबाद से एक डेंटिस्ट का है। मेरे छोटे पुत्र को दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल रहा था। अंततः मैं गुरुजी के पास आया। मेरी मणिपाल स्थित महाविद्यालय में रुचि थी। मेरे बेटे को उसमें प्रवेश मिला और उसने अपना पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर पास किया। मेरा बड़ा बेटा भी चिकित्सक है और चंडीगढ़ में रहता है। उसका विवाह हो चुका है और उसका कार्य भलीभांति चल रहा है। मैं स्वयं फरीदाबाद में दंत चिकित्सक हूँ। गुरुजी की शरण में आने के उपरांत मैंने अनेक कठिन शल्य क्रियाएँ सफलतापूर्वक करी हैं। प्राय रोगी के स्वास्थ्य के कारण उन्हें कठिन कहना उचित होगा, किंतु गुरुजी की कृपा से रोगी चिकित्सा के पश्चात संतुष्ट रहे हैं। मेरी बेटी फैशन डिज़ाइनिंग अकादमी में टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम करना चाह रही थी। उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करके साक्षात्कार भी किया था, किंतु उसका चयन नहीं हुआ था। क्योंकि मैं उसके भविष्य के बारे में चिंतित था, मैं गुरुजी के पास गया, यह जानते हुए भी कि उस दिन बुधवार था और संगत का दिन नहीं था। बदरपुर महरौली मार्ग पर मेरी दिल्ली परिवहन निगम की बस से दुर्घटना हो गई। मुझे तो कोई चोट नहीं आई, पर कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। कार का बोनेट मुड़ गया था, उसका रेडिएटर, एसी, उनकी जालियां और सामने की बत्तियां सब टूट गए थे। उसके बाद भी वह टूटी फूटी कार चली और उसी से 15-20 किलोमीटर की यात्रा करके मैं गुरुजी के निवास पर पहुंचा। गुरुजी वहां पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। जैसे ही मैं वापस आने के लिए तत्पर हुआ, गुरुजी की कार मेरे सामने आकर रुकी। गुरुजी ने मुझे देखा, मैं हाथ जोड़कर खड़ा था और मेरे आंसू बह रहे थे। गुरुजी वहां कोई पाँच मिनट तक खड़े रहे और फिर भीतर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया। गुरुजी ने संदेश दिया कि मेरी जीवन रक्षा हुई थी। नई कार आ जाएगी और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे घर लौटना है और सब ठीक हो जाएगा। मैं कार वापस ले गया। अगले दिन सुबह जब हुयदे के मिस्त्री मरम्मत के लिए कार लेने आए, तो उनको उसे क्रेन से उठाकर ले जाना पड़ा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार क्षतिग्रस्त होने के बाद भी वह एसी के साथ 50 किलोमीटर चली थी। रेडिएटर में जल नहीं था, बैटरी काम नहीं कर रही थी और एसी क्षतिग्रस्त था, फिर भी गुरुजी की कृपा से वह 50 किलोमीटर चली थी। इस दुर्घटना के पश्चात मैं नई गाड़ी लेकर आया। मेरी बेटी को विशेष साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उसे गुरुजी के जन्म दिवस पर प्रातः 11 बजे प्रवेश मिल गया। उस समय मैं बड़े मंदिर में समारोह के आयोजन में कार्यरत था।
उसने अपना पाठ्यक्रम बहुत अच्छा किया और उसे इस बीच दो छात्रवृत्तियाँ भी मिली। यह सब गुरुजी की दया थी। पिछले 2-3 वर्षों से मेरा कार्य ठीक नहीं चल रहा था। मेरा परिवार पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर था और घर के व्यय के लिए भी समुचित आय नहीं हो रही थी। मैं अपना घर बेचना और व्यवसाय छोड़ना चाह रहा था। आर्थिक समस्याओं से मैं कुंठित हो गया था। एक श्रद्धालु और मेरे पुत्र ने गुरु जी को मेरी समस्याओं के बारे में बता दिया। गुरु जी की कृपा हुई और उसी चिकित्सालय से घर का व्यय निकलने लगा। धीरे धीरे मैंने अपने सब कर्ज भी उतार दिए। उस अंतराल में मैंने केवल गुरु जी से विनती करी। गुरु जी ने मेरी आस्था ने सदा लाभान्वित किया। मेरे गुरु और चिकित्सालय दोनों मेरे घर पर और मेरे चिकित्सालय दोनों जगह गुरु जी के मंदिर हैं। गुरु जी का स्वरूप है। संगत में जो गुरुबानी सुनी जाती है वही गुरुबानी मैं अपने चिकित्सालय में भी बजाता हूँ। मेरे अधिकतर रोगी मेरे से गुरु जी के बारे में प्रश्न करते हैं और गुरुबानी सुनकर प्रसन्न होते हैं। और बहुत ही डिफ़िकल्ट केस भी गुरु जी ने हैंडल करवाया। बहुत अच्छे ढंग से उपचार हो गया। 4-5 साल पहले की बात है। एक 73 वर्षीय महिला जो अमेरिका में रहती थी अपने पुत्र के साथ अपने जबड़े की हड्डी को ठीक कराने मेरे पास आई। अमेरिका में चिकित्सकों ने उच्च रक्तचाप के कारण उसकी शल्यक्रिया करने से मना कर दिया। शल्यक्रिया की अवधि में उसका रक्तचाप 160-180 हो सकता था और 200 तक भी पहुँचने की संभावना थी। दिल्ली में भी कोई चिकित्सक इसके लिए तत्पर नहीं था। उनके हट करने पर भी मैं मना करता रहा। फिर उनकी बेटी ने गुरुजी का चित्र देखा और शल्य चिकित्सा करने के लिए कहा। उसका विश्वास था कि गुरुजी के होते हुए भी कोई अशुभ घटना नहीं हो सकती। मैंने शल्य चिकित्सा की तैयारी कर ली। शल्यक्रिया अविशेषक निश्चेतना में करी गई और उसमें 2-3 घंटे लगे। शल्यक्रिया होते हुए 2 बार निश्चेतन विशेषज्ञ ने कहा कि रोगी डूब रहा है, पर शल्यक्रिया पूर्ण हो गई। रोगी ने अपनी बेटी को बताया कि 2 अवसरों पर उन्होंने गुरुजी को श्वेत वस्त्रों में देखा और दोनों बार उन्होंने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। शल्यक्रिया के उपरांत भी कोई सूजन या दर्द नहीं हुआ। रोगी ने कहा कि वह साईं बाबा की भक्त है, पर गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया है। उन्होंने मेरे से गुरुजी का एक चित्र भी लिया। यद्यपि वह 73 वर्षीय महिला पिछले 2 वर्षों से दर्दनाशक औषधियाँ ले रही थी, पर इस क्रिया के बाद उन्होंने ऐसी किसी औषधि का सेवन नहीं किया। यह केवल गुरुजी के कारण ही संभव हुआ। मुझे प्रतीत होता है कि वह शल्यक्रिया हम 3 चिकित्सकों ने ना करके गुरुजी ने स्वयं करी थी। कितनी बड़ी बात है संगत जी, आप इस सत्संग को सुनिए बहुत ही गहराई से, दिल से। सच में लगेगा कि गुरुजी कैसे खुद ही आके सब कुछ कर जाते हैं। हम लोगों को तो ये लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल पीछे से जो शक्ति होती है वो गुरुजी की शक्ति होती है। एक इन्होंने अपने फ्रेंड का बताया, वो भी बहुत ही प्यारा सत्संग है, ज़रूर सुनिए। कैसे एक बच्चे को गुरुजी ने बचाया। मैंने अपने मित्र की सहायता करी। उन्होंने अपनी मित्र की बेटी के हृदय में वॉल्व कैसे डाला, गुरुजी ने कैसे उसको ब्लेस किया। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है। मेरे एक मित्र की 8 वर्षीय पुत्री के हृदय में वॉल्व की समस्या थी और उसे दिल्ली में स्थित एस्कॉर्ट चिकित्सालय में शल्यक्रिया करवाने का परामर्श दिया गया था। शल्यक्रिया की तिथि निश्चित हो गई थी। मैंने गुरुजी से उस बच्ची को आशीर्वाद देने की विनती करी तो उन्होंने मुझे प्रसाद और पुष्प दिए जो मैंने उसकी माता पिता को दिए। शल्यक्रिया के उपरांत उसकी अवस्था चिंताजनक थी। गुरुजी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं रात्रि को 1 बजे एस्कॉर्ट में जाकर माता पिता से मिला तो वह चिंतित थे। मैंने उनको गुरुजी का प्रसाद दिया और चित्र भी मैंने उनको दिया। उसे बेटी के कक्ष में रखने को कहा। गुरुजी के कथनानुसार वह बच्ची शीघ्र ही स्वस्थ हो गई, परंतु 1 वर्ष के बाद उसकी अवस्था पुनः बिगड़ गई। गुरुजी उस समय जलंधर में थे। जब मैंने उनको बताया तो वह बोले, तू लंगर कर, चिंता ना कर, कुड़ी ठीक हो जाओगी। थोड़े ही दिनों में वह ठीक हो गई और सब आनंद से रही। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गांव चले गए। मुझे इस बारे में पता नहीं था और 10 दिन तक उनके दर्शन ना हो पाने के कारण मुझे
नींद नहीं आ रही थी। एक दिन पीवीआर साकेत में देर रात्रि का प्रदर्शन देखकर मैं पत्नी के साथ गुरुजी के स्थान पर जा रहा था। अंधेरिया मोड़ पर कार का अगला टायर फट गया और कार एक ओर झुक गई। मैंने कार को रोककर पत्नी की सहायता से उसे धक्का दिया और उसे एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां दो ट्रक खड़े थे। एक चालक से मैंने टायर बदलने की विनती करी। वह सहायता के लिए आए पर विस्मय की बात कि टायर में फटने का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने सोचा कि अधिक मद्यपान के कारण मैं होश में नहीं हूँ। मेरी पत्नी और मैंने पिचका हुआ टायर देखा था। हम अचंभित थे। उस समय हम गुरुजी के पास नहीं जा सके। पत्नी के कहने पर मैंने उसे एक पेट्रोल पंप पर दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि टायर तो ठीक है। मेरी पत्नी ने उसे फरीदाबाद में दिखाने को कहा। सुबह जब मैंने उसे दिखाया तो टायर और उसकी ट्यूब सही थे। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हुआ था। यह मेरे कुछ निजी अनुभव हैं। असीमित सागर के समान गुरुजी की भी कोई सीमाएं नहीं है। मैं सदा गुरुजी का अनुयायी बनकर जीना चाहूँगा। तो संगत जी, ये इतने प्यारे सत्संग हैं। जब हम इन सत्संग को सुनते हैं तो सत्संग सुनने से ही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त होती है। जीवन में कभी निराश हो रहे हों तो सत्संग को जरूर सुने और सत्संग को सुनने के साथ ही साथ उसको शेयर जरूर करें। ना जाने किसके जीवन में आपके माध्यम से कल्याण हो जाए, है ना। गुरु जी के सत्संग जब आपके पास आते हैं तो वो भी गुरु जी के आदेश से ही आते हैं कि गुरु जी का आदेश हुआ है तो सत्संग आपके पास पहुंचा है। तो इस सत्संग को आप जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय गुरु जी।